भाइयों को राम राम और सही भाइयों को सबसे पहले जय श्री राम। वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले करने चाहते हैं हम जय श्री राम दोनों भाई। और भाई तुमने पहचान लिया होगा तुम्हारा भाई अक्षय। भाई मैं अभिषेक। तो भाई तुम्हें पता चल गया होगा कि वीडियो का टॉपिक क्या है। वीडियो का टॉपिक है लेटेस्ट न्यूज़। oh, no. कि आजकल कुछ घंटे पहले एक लेटेस्ट न्यूज आई थी जो की थी कुछ घंटे पहले नहीं मतलब टोटल जो 10-15 दिन की सारी न्यूज होंगी ना ऐसे आया करेंगी समरी आया करेगी कि ये नहीं कि 10-10 चीजें एक एक चीज करके आएंगी। तो भाई इस वीडियो में तुम देखने वाले हो बहुत सारी न्यूज जो की हमारे फेवरेट यूट्यूबर भी है जिसमें से एलविस यादव भाई तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी भाई साहब। भाई उर्फी उर्फी साहिर जो कि भाई थोड़ा प्रोफेशनल क्रिएटर है वो तो ज्यादा ही घनी प्रोफेशनल है भाई वे तो भाई उनके कपड़े वर्ल्ड फेमस है तो पता तो होगा ही। तो हम आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और तुम वीडियो में बने रहेंगे। ओह माय गॉड इस वाली वीडियो को यहीं पे स्टार्ट। और भाई मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट न्यूज किसकी है। फर्स्ट न्यूज है भाई आपके अपने फेवरेट यूट्यूबर एलविस भाई के बारे में जो कि भाई बता रहे हैं में ऐसी न्यूज उड़ रही है अफवाह उड़ रही है मतलब इसे कोई प्रूफ ही नहीं है कोई बेबुनियाद न्यूज है कि भाई एलविस भाई कहते रेव पार्टी करते थे या फिर वो सांपों की तस्करी वस्करी के न्यूज चल रहे हैं। बहुत सारे एंटी हिंदू समझ रहे हो ना एंटी हिंदू किसे कहना चाह रहा हूँ तो वो सब नॉट गुड कन्वर्टेड कन्वर्टेड हो चलो ठीक है राइडर वाइडर के नाम आ जाएंगे यहाँ पे गलत बात है। ले देना क्या दिक्कत हम तो रोस्ट भी मार रहे भाई हमारे पास फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। सब उठ उठ के आ रहे हैं कि भाई वो ड्रग्स के नशे ये सब भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्रॉपर एक यहाँ साइड में मैं क्लिप भी लगा दूंगा कि प्रॉपर एलविस भाई ने अपने पेज पे पूरी स्टोरी डाल के कह रखा है कि ऐसा कोई वो कोई तुक नहीं है और अगर उसमें हल्का सा भी हाथ भाई का पाया गया भाई ने कहा पूरी जिम्मेदारी वो खुद लेंगे और पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। ऑल्दो मेरा मन नहीं करता भाई कि मैं सीरियस माहौल में रहूं तो झूठी खबरें फैलती है ना खासकर मेरे खिलाफ बेफालतू में भाई जहरीले सांपों का जहर। भाई बंदे ने अलग से स्टोरी डाल रखी है और प्लस रील डाल रखी है कि भाई मेरा ऑल्दो मेरा मन नहीं करता भाई कि मैं सीरियस माहौल में हूं साइड में भाई सारी स्टोरी लग जाएगी सीरियस बात है भाई का कुछ ऐसा साथ नहीं है भाई का कुछ हाथ ही नहीं है उस चीज में। एक बात मतलब सिंपल सीधी बात है अभी भाई के पीछे कितने सारे वैसे नेगेटिव पीआर तो चलते नेगेटिव पीआर वाली बात भी करेंगे आगे वो वैसे खत्म हो चुकी है बट अगली न्यूज में से कवर करेंगे बट ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी न्यूज कहते हैं उर्फी जावेद के बारे में कि वो अपने कपड़ों को लेके वेट उर्फी जावेद तो भाई तुम सभी जानते होगे समझ गए भाई उर्फी जावेद अरेस्ट कर ली गई है ऐसा न्यूज में आ रहा है कुछ कंफर्मेशन नहीं है। बहुत सारी क्लिप्स तुमने देखी होगी मैं क्लिप यहाँ लगा दूंगा वो क्लिप देखना उसमें बहुत सारे लोग मतलब दो तीन पुलिस लेडी गई थी और वो पता नहीं कुछ रेड कलर का टॉप पहन के वो बाहर आई थी किसी भाई तुम सभी को तो पता होगा कि भाई कि उर्फी जावेद वैसे सब अधिकतर सब लोग जानते होंगे जो भी हमारी फैमिली होगी या फिर जो भी कोई होएगा जो सभी जानते होंगे भाई साइड में अगर तुमने ना भी देखी होगी साइड में एक एक फोटो आ रही होगी उस दीदी जी की बोल देते हैं क्या दिक्कत बहन जी के बारे में बोल देते हैं हम। चुप भाई देखो हम उनके बारे में कुछ गलत तो नहीं बोलेंगे लेकिन फैमिली है भाई उनकी हम उनके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते भाई वो क्या चीज है वो तुम सभी को पता है। थोड़ा जैसे कुछ चीजों को छोड़ दे कपड़े उनके मर्जी से पहने बट बहुत सारी खाने की चीजें और ये सब थोड़ा मेंटेन करनी चाहिए ना क्योंकि बड़े बूढ़े भी घूमते हैं हर जगह तुम समझ सकते हो हमारे मतलब आपको मत सिखा भाई गांव देहात के लोंडे भाई हम क्या कह सके एज बैरियर कह सकते हैं हम समझ सकते हैं अब हमारे से पीछे वाली जनरेशन थोड़ी समझ पाएगी कि क्या कपड़े हैं क्या नहीं है। इतनी सारी न्यूज तो भाई आपने सुन ली तो थर्ड न्यूज सारी के दो सुनी है हाँ तो दो तो बहुत सारी हो जाती है फिर भी भाई हमारा काम है बताना और भाई का काम है सुनना और सुनने के साथ साथ क्या भाई बहने भी तो हो सकती है हमारी भाई बहन मम्मी पापा दीदी आंटी एक एक छोड़ के ताऊ ताई चाची अबे साले तभी मेरा माफ करना चाची बहुत सारे रिलेशन है भाई हमारे। तो भाई इसी के बदौलत मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भाई प्लीज एक लाइक मुझे नहीं पता बस क्लिक पहुंचाना चाहिए। तो थर्ड न्यूज कर दो तो थर्ड न्यूज है आप एलविस भाई के बारे में अगेन वो भाई जा रहे हैं बिग बॉस 17 में एज अ गेस्ट बन गए समझ रहे हो ना एज अ गेस्ट क्या मतलब पहले तो गए थे खेलने के लिए जो भी तुमने अनुराग भाई को जिताने के लिए जा रहे हैं आप बैक में तो तुम समझ जाओगे भाई यूट्यूबर है भाई आजकल भाई जा रहा हूँ टॉप हमेशा भाई OTT2 में भी था भाई जा रहा हूँ टॉप मस्त जोक मारा रे लेकिन किसी वजह से भाई जा रहा हूँ टॉप रह गया कुछ एडिटर्स आ गए थे बीच हाँ हमारे जैसे तो नहीं थे भाई वो हम तो भाई प्रेम करते हैं प्रेम दिल से प्रेम भाई यहाँ से प्रेम है यहाँ से दिल में है प्यार मेरा हो तो देने के लिए भाई 20 लाख ही मिले ना क्या करें जीएसटी सारी कट गई भाई
ना वैसे भाई देखो एक पेज मेरा भी है, पहले पहले चलाया करता था, तो पता चलता रहता है कि जैसे कुछ भी, जैसे किसी का फैन पेज तुम बना लो, उसमें अगर तुम किसी प्रॉपर क्रिएटर की डाल लो ना, तो तुम पे अगर नेगेटिव के लिए आएगा तुम पे कि इसके लिए बनाओ उसके लिए बनाओ, पैसे दिए जाएंगे 10-10, 20-20 रुपए दिए जाएंगे रील के, बहुत पैसा सोशल मीडिया में कौन सा तो पैसा ही पैसा होगा। बस हम पे ना आ रहा अभी तक तुम सब्सक्राइब नहीं करते ना, ना तुम देखते ना कुछ करते, यार ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, को एक साल से ज्यादा हो गया। अच्छा वैसे न्यूज़ तो बता दे। हाँ भाई वो इस संडे को जा रहे हैं ऐसे ही गेस्ट लोगों से मिलने, मतलब लोगों से क्या जितने हमारे भाई और बंधु गए हुए हैं उसमें, और हमसे एल्विश और मनीषा, एल्विश और मनीषा। अभी देखो न्यूज ऐसी, अब जो अब देखो हम क्लियर नहीं कर सकते ये वाली न्यूज फेक है या फिर कंफर्म है, जो हमें ऐसा लग रहा है कि कंफर्म ही है क्योंकि भाई ने कई बार बोल दिया कि हाँ मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, तो अरे कहना क्या चाहते हो, इसलिए हम आपको भी बता रहे हैं कि भाई वो जा रहे हैं संडे। बट भाई देखो आज का जो सीन चल रहा है कि भाई के ऊपर ये केस हो गया, ये जो भी हो गया, अब इसके बेसिस पे आगे का हम कुछ पता भी नहीं, कई चीज कैंसिल भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें। भाई वैसे कोई बंदा अपने अपने मेन चैनल पे आके बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं, अगर मैं मेरा इतना सा भी रोल हुआ उस चीज में तो सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए, इसमें 6-7 अगर तुमने FIR नहीं देखी होगी तो भाई इसमें 6-7 नाम है जिसमें भाई का कुछ मेरे पे है, मैं स्क्रीनशॉट में यहां लगा दूंगा। यूट्यूबर एल्विश यादव और अज्ञात में उनका, अगर यूट्यूबर एल्विश यादव तो भाई उनका पता तो पता ही होगा, एड्रेस तो सभी को पता है भाई उनका, पुलिस वालों को सबको नहीं पता पर सबको वैसे पता है, हरियाणा वजीराबाद भाई, उन्होंने खुला बोल रखा है कि भाई मेरा घर है, और वैसे उस भाई के घर चले भी जाते हैं कई बार लोग, प्राइवेसी कुछ छोड़ ही ना रखी भाई। अच्छा चलो और भाई चलो इस न्यूज को छोड़ते हैं, और एक और न्यूज एल्विश भाई के बारे में, मतलब भाई ट्रेंडिंग में हमारा भाई, तो उसके बारे में न्यूज होगी। भाई का एक नया शो आ रहा है, शो क्या एज अ गेस्ट भी कहेंगे या फिर उसे क्या कहते हैं जो होस्ट करते हैं, जो भी करते हैं तुम समझ गए होंगे। तो भाई वो जा रहा है, उसमें सबसे गजब की बात है भाई फुकरा भाई भी साथ में इंडिया पर, जो कि स्ट्रीम होगा 3 नवंबर से रात को 8 बजे जियो सिनेमा पे एकदम फ्री, टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया। प्यार का न्यूज के बारे में थोड़ा अलग, पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री से पूरा अलग चल जाते भाई, सरकार ने एक कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स एसोसिएशन IIA देश का पहला एसोसिएशन है, लोगों के हित प्राथमिकता, आपका आशीर्वाद मेरी नहीं, क्या एसोसिएशन बनाया है BIA, मतलब उसमें क्या होगा कि 10,000 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इनलीगल, मतलब जो भी भाई कोई भी पोस्ट कर देता है इनलीगल वीडियो, जैसे किसी की चुरा के डाल दी किसी ने, तो हैरेसमेंट जो भी चीज है सब चीज जो भी होगा उसमें, तुमने बीच में देखा था बेशक कुल्लड़ पिज्जा वाली जो भी वीडियो थी भाई, बेफालतू में बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था, वो उतना सही नहीं था यार, अगर कोई सुसाइड कर लेता है कुछ तो कौन जिम्मेदार होता है, कंट्रोल। चलो भाई जैसे भी है, तो आज की वीडियो हम करते हैं यहीं पे एंड। तो भाई बहुत सारी न्यूज है, ऐसी हम न्यूज अपडेट और लेटेस्ट न्यूज बताने के लिए तुम हमारे पेज को फॉलो करो, हमारे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो अच्छे से, हम डेली डेली जब भी आप कमेंट करते करो, इस वीडियो पे कम से कम अगर 100 कमेंट रहे तो भाई हम नेक्स्ट वीडियो जरूर ही लाएंगे। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त, होप करता हूं भाइयों को बहुत बहुत अच्छी लगी होगी, शुरू करी थी जय श्री राम से तो खत्म भी जय श्री राम के नाम से ही होगी, तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।